है कि कपड़े जो हैं सूखे वो लटका दें, और बस थोड़े से कपड़े रह गए। ओ क्या हो गया, करंट लग गया? हाँ ठीक है बाप को, शुक्र है, ज़्यादा नहीं लगा। ये देखिए जी माशाल्लाह चावल देखें कितने मज़े के बने हैं। ये देखिए एक तरफ से हो जाएंगे तो फिर इनको चेंज कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबको, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज है जुम्मा, मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो अभी हम लोग नाश्ता कर चुके हैं, तो अभी जो है ना मैंने लगाई हुई मशीन में कपड़े धो रही हूँ, किचन मैंने सारा साफ़ कर लिया, बच्चों को नहलाना है, बच्चों को नहला के सफारी के लिए भेजना है। तो हस्बैंड को भी कहूँगी कि ज़रा मेरी हेल्प करवा दें क्योंकि आज बहुत सारे काम हैं। तो आज का जो भी व्लॉग होगा आप लोग साथ शेयर करेंगे। तो अगेन मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक हो। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और कमेंट। हाँ जी मैं धो रही हूँ कपड़े, हस्बैंड को मैंने कहा कि आप कपड़े जो हैं सूखे वो लटका दें, और बस थोड़े से कपड़े रह गए। ओ क्या हो गया, करंट लग गया? असल में ये देखे ना सारा पानी भी नीचे है, इस वजह से भी हो सकता है, ज़्यादा करंट लगे दिखाएं हाथ। मशीन में आ रहा है करंट, पानी होगा ना नीचे, पानी में जो खड़े हैं लग, मैंने कपड़े सारे धोए हैं, कपड़े यहाँ पे बस ये लटकाने वाले हैं। ज़्यादा करंट लग गए, कपड़े मैंने सारे वॉश कर लिए हैं, अब इनका काम बकाया है जी, ये लटका रहे हैं कपड़े। मौसम अभी ऐसे बदल गया तो जल्दी जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, और वहाँ हाथ खेल रहा है अपना, तो ये लगे हैं अपनी ड्यूटी पे, और इनको भी लगा था करंट, हाथ इनका दर्द कर रहा है, शुक्र है ज़्यादा करंट नहीं लगा। तो असल में मशीन जहाँ लगी है वहाँ नीचे पानी भी खड़ा था, तो अर्थ आ गया उसकी वजह से। तो बस यहाँ पे जी कपड़े लटक रहे हैं और हाथ इधर खेल रहा है, और आज से ही धूप निकली हुई है, कल रात बड़ी बारिश हुई थी लेकिन आज धूप निकली हुई है। बस यहाँ मैं बनाने लगी हूँ चावल, तो जुम्मे वाले दिन वैसे भी शुरू से ही है कि ज़्यादातर चावल बनते हैं, तो मैंने कहा चावल बना देते हैं। मटर थे, मैंने कहा थोड़ा दो आलू, दो तीन आलू, आप आलू कम खाते हैं, बच्चे आके आलू शौक से खाते हैं, बीच में पीसते तो मैं नहीं आलू खाता हूँ, लेकिन चावलों में इतना आलू वगैरह नहीं, बस तीन ही आलू मैंने काटे लेकिन मटर ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने चावलों का सारा सामान काटा है, सलाद का, तो ये अब लेके आए ब्रेड, तो ये कह रहे हैं मुझे टोस्ट बना दो, ऐसे डिप करके एक तरफ से हो जाएंगे तो फिर इनको चेंज कर देंगे। यहाँ जी हो गई हमारी टोस्ट तैयार। क्या बेबी है? ये ले आप खाएं, मैं बाकी फिर बना के ला दूँ। दिखाएं जी। ये देखिए। जी हाँ जी फ्रेंच टोस्ट। पता नहीं इनको फ्रेंच टोस्ट क्यों कहते हैं, मुझे आज तक नहीं समझ आई। फ्रेंच लोग खाते हैं ऐसे फ्रेंच टोस्ट। नहीं नहीं फ्रेंड तो खाते, बाबा को बाय कर दो, कॉपी सर पे रखी है उसने। आए आप जा रहे हैं फिर? हाँ लेट हो जा रहा है, मेरे थोड़े काम है, जल्दी जा रहा है। बाबा को बाय कर दो, बाय। हाँ ठीक है बाप को, शुक्र है ज़्यादा नहीं लगा। हाँ शुक्र है ज़्यादा नहीं लगा। मैं छोड़ दिया, सारे कपड़े मेरे अपने साथ थे।
चल ठीक है, बाय कर दो। पूरे घर में कपड़े कपड़े कपड़े। अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूं, बच्चों को ले आना जाके टाइम। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बनाने लगी हूँ मटर पुलाव, रेसिपी पूरी नहीं शेयर करूँगी, बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ इस वजह से। अब हल्के हो गए, जो भी है साथ साथ आपसे बातें करते साथ साथ बनाती हूँ, और गर्म ही ज़्यादा ही गर्म था। चूल्हा मैं जला के भूल गई, थोड़ा सा मेरी बॉडी भी निकल गई। तो मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि जो नवाज़ में था मेरा मीटर टू है, मैं उसके बारे में शेयर करूँ, तो मेरे पुराने चैनल पर पूरी एक वीडियो मौजूद है। तो इंशाल्लाह कुछ कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ आदमी शेयर करूँगी कि मेरा अहमद भाई नवाज़ भाई के साथ कैसा मीटर हुआ था, वो बहुत अच्छा दिन था। तो फ्राइडे वाले दिन ज़्यादातर जो होता है वो बनता है पुलाव या चावल, कोई भी चीज़ बनती है, बिरयानी वगैरह बनती है। तो हमारे घर में बचपन में शुरू में ऐसे ही होता था कि जब हम छोटे होते थे तो हमारे घर में फ्राइडे वाले दिन आदमी चावल बना करते थे। तो वही अब मैं अपने बच्चों को भी करती हूँ कि फ्राइडे को या सैटरडे को लाजमी चावल बना देती हूँ ताकि बच्चे हैप्पी हो जाए। तो मैं अब फटाफट बना लेती हूँ क्योंकि बच्चों को भी अकेडमी से लेके आना, उनको भी टाइम हो रहा है, बीच में मैं चूल्हा बंद करके जाना पड़ना। प्याज में कर लेती हूँ, पता नहीं आप लोगों को सही आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, क्योंकि चूल्हे का भी शोर है, प्याज का भी शोर है। तो यहाँ हो गया हमारा प्याज ब्राउन, हल्का सा अच्छा डालते पानी। पानी इसलिए डालते हैं कि जो है प्याज ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए, तो इसमें डाल दूंगी तमाम टमाटर, हरी मिर्ची और ये तमाम खड़े मसाले हैं ये डाल दूंगी इसके अंदर। खड़े मसालों में जो तमाम चीज़ें होती हैं, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी बड़ी इलायची, यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ धनिया, साथ में यहाँ डाल रही हूँ इसमें नमक, और मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च, बस ये तीन चीज़ें डालेंगी इसमें। ये मसाला हमारा हो गया, यहाँ मैं डालूँगी टमाटर और टमाटर कह रही हूँ आलू और मटर। बच्चों ने इतना खपाया पड़ा ना कसम से, समझ ही नहीं आ रही क्या बोल रही हूँ। अच्छा ये डाल के साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी बिरयानी मसाला, मैं बिरयानी मसाला ही डालती हूँ पुलाव में, आप चाहे तो पुलाव मसाला डाल सकते हैं। यहाँ पे जब इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स, अच्छे तरीके से इसकी यहाँ करेंगे भुनाई, ये देखें कितने मज़े का लग रहा है। पीछे बच्चों ने ना वक्ता डाला हुआ कसम से, मैंने कहा फटाफट खाना बना लूँ फिर मैं नमाज़ पढ़नी है, मगरिब की अजान हो जाए। चावल तो मैंने कप के बना लिए थे, कहा चावल कप के बने हुए थे, मैं फिर नमाज़ पढ़ने लग गई मगरिब की। तो मैंने अब खोला है दम, ये देखिए जी माशाल्लाह चावल देखें कितने मज़े के बने, ये देखें खिला खिला चावल कैसे बने। तो बस बच्चों को लगी हुई है भूख, तो अब बच्चों को दूँगी चावल। यहाँ जी है सैलेड, ये आहद का खाना, और बच्चे यहाँ खाने लगे हैं खाना। तबीयत ठीक है मैच आपकी? नहीं ठीक मैच की, तो दो दिन हो गए तो तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से इसके टेस्ट हो रहे हैं, ऊपर से इनके पेपर होने वाले हैं। ये हमदान का है, ये जी देखिए हमारा मटर पुलाव कितने मज़े का बना, मटर हैं और आलू डाले हैं, और ये है हमारा सैलेड। तो अभी हम खाने लगे हैं खाना।